नगर निगम धर्मशाला के कुछ क्षेत्र को ही स्मार्ट सिटी के लिए लिया गया था, जिसके चलते निगम क्षेत्र में शामिल मर्ज पंचायतों के लोगों में रोष था। लेकिन धर्मशाला के नव निर्वाचित विधायक विशाल नेहरिया ने सभी वार्डों में स्मार्ट सिटी के कार्य होने के निर्णय को सरकार से स्वीकृति दिलाने की बात कहकर सभी का दिल जीत लिया है। ये बात नगर निगम धर्मशाला के भाजपा समर्थित पार्षदों ने धर्मशाला में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कही। नगर निगम धर्मशाला के भाजपा समर्थित पार्षद सर्वचंद गलोटिया, मनोनीत पार्षद राजेंद्र ठाकुर, तेज सिंह ठाकुर और भाजपा में शामिल हुए पार्षद विशाल जमवाल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि जारी करने और विधायक द्वारा स्मार्ट सिटी के कार्यों को अमलीजामा पहनाने के आश्वासन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया का आभार जताया है। भाजपा समर्थित पार्षद सर्वचंद गलोटिया ने कहा कि जब नगर निगम बना था तो कुछ ही क्षेत्र को स्मार्ट सिटी में लिया गया था, जिसे लेकर मर्द पंचायत के लोगों में रोष था। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया के निर्वाचन के बाद हाल ही में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है कि स्मार्ट सिटी का पैसा नगर निगम के सभी वार्डों में खर्च किया जाएगा। नगर निगम बना था तो स्मार्ट सिटी में कुछ एरिया देख लिया गया था, तो जो स्मार्ट सिटी में पैसा आना था जितना भी, पहले तो 2190 आना था, वो उसी एरिया में खर्च हुआ। फिर इस बारे में काफ़ी थोड़ा रोष भी था, जो मर्ज पंचायतें ली गई थी नज़दीक पंचायतें, जब नगर निगम बना था तो उसको जनसंख्या पूरी करने के लिए, तो लोगों में उन्होंने अपनी मीटिंगें भी की, आगे तक प्रपोजल भी दिए। और अभी ये जो जैसे ही हमारे विधायक श्री विशाल नेहरी जी आए हैं, तो उनके जैसे चुने जाने के बाद ये शनिवार को एक हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर श्रीकांत बाल्टी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें विधायक जी भी हाजिर थे और एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जो भी ये स्मार्ट सिटी का पैसा आएगा, ये सभी जितने 17 वार्ड हैं उनमें से बिल्कुल बराबर रूप से बांटा जाएगा। और इसमें विश्वास दिलाया था हमारे मुख्य सचिव ने कि इस प्रस्ताव को वो सरकार के समक्ष रखेंगे और इस चीज़ को वो धरातल पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, जिसका हम सब पार्षद इसका चीज़ का अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी, सरकार हमारी जो हिमाचल प्रदेश की है और नव निर्वाचित हमारे विधायक जो है विशाल नेहरिया जी का धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजित निप्पी की रिपोर्ट।